कुल्लू जिला मुख्यालय रामबाग स्थित आशा बाल चिकित्सा केंद्र में प्रदेश सरकार के सौजन्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 10 दिवसीय थेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल्लू जिला के 70 अक्षम बच्चों को थेरेपी शिविर के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुल्लू में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के सौजन्य से पहली बार इस तरह के थेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू जिला मुख्यालय रामबाग स्थित आशा बाल चिकित्सा केंद्र में विशेष बच्चों के लिए 10 दिवसीय थेरेपी शिविर चलाया जा रहा है। जिला शिक्षण जरड़ के प्रधानाचार्य चांद किशोर शर्मा, समन्वयक सुरेंद्र कुमार और विशेष प्रशिक्षिका पूनम हिमानी की देखरेख में आशा बाल चिकित्सा केंद्र में विशेष बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे इस शिविर में 70 विशेष बच्चे भाग ले रहे हैं। इस शिविर में विभिन्न थेरेपी विशेषज्ञ अक्षम बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा कुल्लू जिला में पहली बार अक्षम बच्चों के लिए 10 दिवसीय थेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से जो है हमारी डाइट की तरफ से जो है प्रधानाचार्य और इस फील्ड का मैं समन्वयक हूँ और हमारे साथ जो विशेष शिक्षक है उनकी देखरेख में हमने जो है सरकार की ये पहल है, सरकार की तरफ से हमने यहाँ पर जो है इन बच्चों को थेरेपी के लिए जो है ये 10 दिवसीय शिविर का आयोजन यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इस शिविर में सर लगभग 70 बच्चे जो हैं हमने चयनित किए हैं और इन बच्चों को हम जो है ये आश बाल विकास केंद्र जो है यहाँ पर जो थेरेपिस्ट हैं, इसके विशेषज्ञ जो हैं, जैसे स्पीच के विशेषज्ञ हैं, जैसे रेखा मैम हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रमा मैम हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच के हमारे पास श्रुति मैम हैं और हमारे जो विशेष शिक्षक हैं, यहाँ पर इन बच्चों को थेरेपी के माध्यम से जो है सर इनको जो है एक आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करें। वहीं आशा बाल चिकित्सा केंद्र की निदेशक श्रुति ने बताया कि कुल्लू जिला में पिछले 7 वर्षों से सैकड़ों अक्षम बच्चों को स्पीच थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी और फिजियोथेरेपी द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 0 से 7 साल में बच्चों को थेरेपी मिले तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। थेरेपी का जो उपचार होता है वो लंबे समय तक चलने वाला उपचार होता है, तो 10 दिन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के साथ हम डायरेक्टली तो काम कर रहे हैं पर बच्चों के साथ जो परिजन है और डाइट से जो स्पेशल एजुकेटर्स आए हैं हम उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाए, क्योंकि वो 10 दिन के बाद भी जो कुछ भी थेरेपी के जो सजेशंस हमने दिए हैं तो उसके बाद भी वो उसको यूटिलाइज या लागू कर पाए। सर हम कुल्लू ज़िले में लास्ट 7 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे थेरेपी में हम अर्ली इंटरवेंशन पे जोर देते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि 0 to 7 ईयर्स में अगर बच्चों को ये जो स्पेशल थेरेपीज़ होती है जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी, ये प्रोमिनेंटली ये थेरेपीज़ अगर उन बच्चों को 0 to 3 ईयर्स में मिले तो इसका आउटकम बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हम जिनको अर्ली इंटरवेंशन में जैसे राइट टाइम अर्ली उनकी डायग्नोसिस हुई है और जिन्होंने थेरेपी ली है जो 7 या 6 ईयर्स में, 1-2 साल का डिले हो जाता है पर ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जो हमारे हैं उसमें वो स्पेशल एजुकेशन के सहायता से बहुत ईजिली अडेप्ट हो जाते हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।